आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ओपेक देशों द्वारा मनमाने तरीके से तेल कीमतों में वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। इस कारण विदेशी मुद्रा भंडार तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ तेल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई भी बढ़ रही है। परंतु भारत ने अब इनके वर्चस्व को तोड़ने का निर्णय ले लिया है। भारत गैर ओपेक देशों के संपर्क में है और वहां से तेल आयात कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि गैर ओपेक देश दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करता है। भारत ओपेक देशों पर से ही अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहा है। हालिया आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते दिख रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय तेल आयात में तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक की हिस्सेदारी 2021 में गिरकर एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कम हो गई है। साथ ही भारत में ओपेक का तेल आयात घटकर 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसका सीधा कारण भारत का अन्य देशों से बढ़ रहा आयात को माना गया है। दरअसल ओपेक देशों की मनमर्जी के कारण पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम में भारी वृद्धि देखी जा रही है। ओपेक देश अभी वैश्विक बाजार में धीरे धीरे आपूर्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे तेलों की किल्लत लगातार बनी हुई है। भारत के लिए महंगा कच्चा तेल परेशानी का सबब है। कच्चा तेल महंगा होने से देश में पेट्रोल डीजल समेत गैस के दाम में वृद्धि होती है, जिससे खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसके अलावा कच्चे तेल के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ओपेक देशों की मनमानी पर लगाम लगाने हेतु भारत सरकार ने गैर ओपेक देशों के साथ समझौता किया है, जिसका नतीजा हुआ है कि ओपेक से आयात का आंकड़ा 2008 के 87% से घटकर पिछले साल 70% पर ये आ गया है, जो दिन प्रतिदिन और कम ही होता जाएगा। भारत ने गैर ओपेक देश अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका से तेल के आयात को बढ़ाया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के ने भारत के लिए वेनेजुएला और ईरान से कच्चे तेल का आयात करना मुश्किल बना दिया है। इससे भारतीय खरीदारों ने आपूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और गुयाना और अफ्रीका से कुछ छोटे उत्पादकों की ओर रुख किया है। आंकड़ों की माने तो भारत ने अमेरिका और कनाडा से तेल के आयात को बढ़ाया है। इन दोनों देशों से तेल के आयात में बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका और कनाडा के तेल का भारत के आयात में 7.3% और 2.7% का रिकॉर्ड रहा है, जबकि एक साल पहले 5.5% और 0.7% ये था। गौरतलब है कि ओपेक के मनमानी के कारण तमाम देशों में तेल की कीमतों में काफी उछाल देखा गया है। भारत की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। भारत पूरे विश्व में 30वां सर्वाधिक तेल उपभोक्ता सूची में शामिल है। भारत में कच्चे तेल की मांग 2015 से 16 में 203 मीट्रिक टन से बढ़कर 2016-17 में ये 214 मीट्रिक टन हो गई है, और इस तरह मांग में 1.6% की वैश्विक औसत वृद्धि की तुलना में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ओपेक का सबसे बड़ा निरंतर और विश्वासपात्र ग्राहक होने के नाते तेल आयातकों पर छूट चाहता है, जबकि ओपेक उत्पादक राष्ट्रों से उसे एशिया प्रीमियम नामक कर मिला है। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई बार इसको हटाकर एशिया डिवाइडेड नामक छूट का आग्रह किया, तो ओपेक देशों ने इस आग्रह को ठेंगा दिखा दिया था, मतलब मना कर दिया। जब ओपेक देशों से आयात में कमी सरकार के प्रयासों को भी इग्नोर करती है, तो आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में भारत का कच्चे तेल का आयात 3.9% बढ़कर 42 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, लेकिन 2019 में ये पूर्व महामारी के स्तर से नीचे रहा। इस साल आयात में और वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि ईंधन की मांग में सुधार हो रहा है। दिसंबर में आयात बढ़कर 11 महीने के उच्चतम स्तर से 47 लाख बीपीडी पर ये पहुंच गया है, और नवंबर की तुलना में लगभग 5% से ये अधिक है, लेकिन फिर भी एक साल पहले की तुलना में 7.8% ये कम है। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।